सोमवार को एनडीटीवी के को-फाउंडर प्रणव रॉय के दिल्ली स्थित आवास पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस भी दर्ज किया। यह केस आईसीआईसीआई बैंक को कथित तौर पर 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है। इस छापे पर एनडीटीवी ने कहा है कि प्रणव रॉय को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कानून का डर जरूरी है, यह सभी पर लागू होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर एनडीटीवी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। स्वामी ने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सीबीआई को एनडीटीवी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं।